हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बनाएंगे स्प्रे पेंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत है कोई भी वेस्ट पेपर की। कोई भी वेस्ट पेपर हो आपके पास, एक ख़राब टूथब्रश और कुछ कलर्स, वाटर कलर, जो भी आपके पास पानी वाले रंग हो जिन्हें आप पेंटिंग कलर भी कहते हैं, कलर और एक ब्रश और एक सीज़र। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी वेस्ट पेपर लेंगे और उसमें से कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स कट करेंगे, जैसे कि सर्कल। पहले इनको हम ड्रॉ कर लेंगे, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी शेप, सिलेंडर शेप। तो ऐसे पहले शेप्स को ड्रॉ करेंगे और इन्हें कट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने शेप्स कट किए हैं कुछ, और अब हम इनको अरेंज करेंगे। जैसे इसको हम सन की तरह अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक हट बना सकते हैं। और कट कर सकते हैं, और चाहें तो से और की ज़रूरत हमें यहाँ पे लग रही है, तो हमने ये और कट कर दिया। इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया, अपने हाउस को भी शिफ्ट कर दिया, और ऐसे हमने ये एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इसमें स्प्रे कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए अब बेटे इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने ब्रश को थोड़ा सा गीला करेंगे। जैसे हमने वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा गीला करके इसको यहीं पे झाड़ देंगे, एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद अपने थंब को भी थोड़ा सा गीला करना है। और कलर, ये कलर आपको दिखा देती हूँ मैं। मैंने ऐसे लिया प्लेट में और ये थंब पे ऐसे लगा लिया है। अब जैसे हमें यहाँ स्प्रे करना है सन के पास, तो इसको ऐसे चलाना है थोड़ा ऊपर से। पानी ज़्यादा रहेगा तो अच्छा नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा पानी वाटर नहीं रखना है। बार बार कलर लगाना है और ऐसे स्प्रे करना है, कलर को स्प्रिंकल करना है, इसे लगाना है। ध्यान रखिए ब्रश को हल्का ही गीला करेंगे, ज़्यादा नहीं, नहीं तो हमारा पेपर ख़राब जाएगा और स्प्रे भी फैल सकता है। तो कलर का इसके आसपास, जब तक हमारी पेंटिंग पूरी नहीं होती हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब जैसे ही स्काई में हमने सन के आसपास ऑरेंज कर दिया है, अब हम लेते हैं ब्लू कलर। ब्लू लिया है मैंने स्काई के लिए। अब यहाँ स्काई में हम ब्लू स्प्रे कर देंगे। हल्का हल्का अभी आपको ये लाइट लग रहा होगा, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा। ट्री के पास थोड़ा सा ग्रीन कलर, आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल जो कलर होता है ट्री में या सन में या वही यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। बस इसको हमें कलरफुल बनाना है। फिंगर से भी कर सकते हैं आप, फिंगर से, ठीक है, ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे स्प्रे करिए। अब देखिए हम ग्रीन लगा रहे हैं, ऐसे ही और कलर ले सकते हैं। ब्लू हमने यहाँ भी ले लिया साइड में। अभी हमें जैसे ही हम अपना ये उठाएंगे इस पे से पेपर्स की कटिंग, तब हमें पता चलेगा कि हमारा स्प्रे कैसा हो रहा है। उससे पहले हमें लगेगा कि जैसे स्प्रे नहीं हो रहा है। पास पास से डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको करने हैं। अब हमारा स्प्रे लगभग तैयार है। अब हम इस पे से ये हटा देंगे पेपर्स। देखिए आप, मैंने कलर मिक्स करके, ठीक है, इनको हम रख लेंगे। हम इनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी पेंटिंग रेडी है। एक स्प्रे तो ये बिल्कुल बेटा फर्स्ट स्टेप है स्प्रे पेंटिंग का, बिल्कुल सिंपल। एक स्प्रे तो ऐसे कर सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ पे एक कट भी लगा सकते हैं हाउस में, या यहाँ पे एक कट रख के अभी भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हमारी स्प्रे पेंटिंग एकदम रेडी है। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को कट करेंगे, अपने हिसाब से उन्हें अरेंज करेंगे और एक सुंदर सी स्प्रे पेंटिंग बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।